जश्न की ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, ये ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य से आई हैं, जहां अंबेडकरवादियों ने एक नया इतिहास रच दिया है। आधी रात में जब आप भारत में सो रहे थे, तब अमेरिका में दलित बहुजन लोग जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और इस लड़ाई में वो निर्णायक मोड़ पर जा पहुंचे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला एंटी कास्ट बिल SB 403 को बड़ी कामयाबी मिली है। कैलिफोर्निया सीनेट जुडिशरी कमेटी ने SB 403 को पास कर दिया है। कैलिफोर्निया स्टेट जुडिशरी कमेटी ने 8-0 यानी सर्वसम्मति से इस बिल को पास कर दिया। अब ये बिल कैलिफोर्निया की सीनेट में जाएगा, जहां इस पर चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग होगी। जैसे ही ये बिल पास हुआ, वहां मौजूद अंबेडकरवादी झूम उठे। हर कोई जय भीम के नारे लगाते हुए जाति के खिलाफ चल रहे उस आंदोलन की कामयाबी पर जश्न मना रहा था, जिसे उसके पुरखे सदियों से लड़ रहे हैं। पहले आप जश्न की इन तस्वीरों को देखिए, फिर आगे हम इस पर बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। इन लोगों के चेहरे पर आपको खुशी के साथ साथ वो दर्द भी दिखेगा, जिससे दलित बहुजन लोग गुजरते हैं। भारत के सवर्ण जाति की जिस बीमारी को अपने साथ ले गए थे, अब बाबा साहेब की संतानें पूरी दुनिया में उस बीमारी का पक्का इलाज कर रही हैं। इस कड़ी में हमें अफगानी मूल की अमेरिकी सांसद आयशा वहाब को भी खास तौर पर याद करना चाहिए। आयशा वहाब ही वो सांसद हैं जो एंटी कास्ट बिल को सदन में लेकर आई हैं। कैलिफोर्निया सीनेट जुडिशरी कमेटी में आयशा वहाब ने वोटिंग से पहले बहुत ही शानदार तरीके से अपना पक्ष रखा और अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई के पहले मोर्चे को फतह कर लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। This is an invisible shackle placed on people at birth. They have no way to escape this type of bondage. No education, marriage, wealth, years or even generations will allow them to escape. Those of us who are not raised in the bottom overt caste systems can't possibly know or understand what it does to one's psyche, creating intergenerational trauma that spans centuries. Those who are raised in the long shadows of caste systems suffer in silence due to stigma and fear of not being understood. Today is the time for healing and agency. Every step forward in civil rights was met with a resistance for change. I stand before you as a proud American, one who believes in, defends, and protects the American dream, where no matter where you're from, what religion you practice, who you love, or what background you have, you are guaranteed to be able to live your full potential here in the United States. The state of California has shown a commitment to inclusion time and time again. Today, we see a need to strengthen those commitments and ensure that all people are protected under the law. And clarify that discrimination based on caste is unacceptable here in California. That is why I stand here now with the world watching as California once again commits to protecting the most vulnerable and balancing power. This is what the Golden State stands for, and I urge you all not to feel pressured by opposition, but instead feel proud of the domino effect you start around the world where other jurisdictions will follow our brave stand against caste discrimination. आयशा के इस एंटी कास्ट बिल पर अब सीनेट में वोटिंग होगी। इस बिल में जाति के आधार पर भेदभाव करने को बैन करने का प्रावधान है। अफगानी मूल की अमेरिकी सांसद आयशा वहाब ने अमेरिका में बसे दलित बहुजन अंबेडकरवादियों के साथ मिलकर इस बिल को राज्य की सीनेट में पेश किया है। अगर ये बिल पास हो गया तो कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य बन जाएगा, जहां जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बिल आया, वैसे ही वहां बसे सवर्ण हिंदू इसे हिंदू धर्म पर हमला बताने लगे। पिछले दिनों एंटी कास्ट बिल को एंटी हिंदू बिल कहकर अमेरिका में बसे सवर्ण भारतीयों ने आयशा वहाब के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया था। अमेरिका में जाति के खिलाफ कानून ना बन जाए, इसलिए वहां बसे सवर्ण भारतीय एकजुट हो गए हैं। ये सवर्ण हिंदू कह रहे हैं कि अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला कानून पास नहीं होना चाहिए। आयशा वहाब को धमकियां तक दी गई थी, लेकिन आयशा वहां डटी रही और आखिरकार उन्हें पहली कामयाबी हासिल हुई है। इसके बाद से ही जातिवादी तिलमिलाए हुए हैं।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जैसी सवर्णों की संस्था ने बिल पास होने का विरोध किया है, लेकिन इनके विरोध करने का अब कोई फायदा नहीं है। अब अमेरिका जाति के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो रहा है। 150 साल पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अमेरिका में ब्लैक्स लोगों के आंदोलन का साथ दिया था। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के अश्वेतों को समर्पित करते हुए उन लोगों को याद किया था जो दासता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। 150 साल बाद अमेरिका अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में भारतीय लोगों के साथ खड़ा हो रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और ऊर्जा से भर देने वाला है। वंचित वर्गों की ये लड़ाई हमें भविष्य का रास्ता दिखाने का काम करेगी। अमेरिका में बसे तमाम अंबेडकरवादी साथियों ने साबित कर दिया है कि वो अब जातिवाद नहीं सहेंगे और दुनिया भर में इसके खिलाफ मजबूती से आंदोलन करेंगे। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए दुनिया भर में जाति विरोधी आंदोलन में लगे साथियों को बधाई दी है। आना यानी अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने भी कैलिफोर्निया सीनेट जुडिशरी कमेटी और बिल को पास होने पर उनका धन्यवाद किया है और जो सांसद हैं आयशा वहाब उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए इस एंटी कास्ट मूवमेंट में एक बड़ा दिन बताया है। अंबेडकर किंग स्टडी सर्कल यूएसए ने भी इस बिल के पास होने पर खुशी जताई है। वहीं इक्वेलिटी लैब और उनकी जो संस्थापक हैं थेनमोई सुंदरराजन, उन्होंने भी कहा है कि हमने अपने पुरखों की इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है और हम इसे और आगे ले जाएंगे। ये बिल सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम होगा, क्योंकि इससे बाकी देशों में भी जाति के खिलाफ कानून बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इससे पहले अमेरिका के ही सिएटल शहर में भारतीय मूल की सांसद क्षमा सावंत और अंबेडकरवादियों की कोशिशों से जाति के खिलाफ कानून पास हो चुका है। अब अगर कैलिफोर्निया में भी ये बिल पास हो गया तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला राज्य होगा जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर बैन होगा। जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों पर मुकदमा चलेगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जो भी सवर्ण भारतीय वहां जातिवाद करेंगे उन्हें वहां से भगा दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में भी जातिवाद करने वालों की खैर नहीं होगी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि भारत के सवर्ण दुनिया में जहां भी जाएंगे वो जाति की बीमारी को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और जातिवादियों ने जाति का ये वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया है। लेकिन अमेरिका से उठ रही मजबूत आवाजें एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। हम उन सभी आवाजों का हौसला बढ़ाते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनको जय भीम बोलते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं। QR कोड के अलावा आप हमें UPI के जरिए या फिर खाते की जो डिटेल्स दी गई हैं उसमें भी आप न्यूज़वीक फाउंडेशन के अकाउंट में मदद भेज सकते हैं। आप 12A और 80G के तहत इनकम टैक्स रिबेट भी हासिल कर सकते हैं। रिसीट लेने के लिए आप अपनी ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट 8595794224 पर डोनेशन स्पेस अपना नाम लिखकर जरूर भेजें, हम आपको उसकी रिसीट देंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।